अब ये कैसा रहा एग्जाम? सही रहा, मॉडरेट एग्जाम। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 85 करे। 85? आपने अच्छे क्वेश्चन करे। मैथ में आपने कितने किए? मैथ थोड़ा टफ था, काफी टफ था। मैथ काफी टफ था, सीजीएल लेवल से भी हार्ड था शायद। तो सीजीएल से भी कहने उतना हार्ड आ रहा है। मैथ में आपने कितने किए वैसे? मैंने 12 से 13 क्वेश्चन करे। 12 से 13, मतलब आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन छूटे वो मैथ के छूटे। आपने 85 तो किए हैं। और मैथ में कहां से क्वेश्चन आए? मैथ में उसमें छिन्नक का आयतन पूछा था, उसमें घुमा कर छिन्नक का आयतन पूछ रहा था, शंकु को देखे छिन्नक का। और आपका जैसे सीएएसआई में से कितने सवाल होंगे? 2 सवाल थे। कैसे थे? कैलकुलेटर से या असंभव? वो सीएएसआई के नॉर्मल थे। कितने नॉर्मल थे? मतलब ज्यादा हार्ड नहीं थे। सीआईएसआई ब्रकेंट से 1 से 2 क्वेश्चन नहीं। लाभ आने के थोड़े टाइट थे, काफी टाइट थे। तो वो सवाल आते हैं, उनकी कैलकुलेशन हार्ड थी। कैलकुलेशन हार्ड थी और लैंग्वेज भी बहुत हार्ड है उसकी, सवालों की। मैथ आपको सबसे ज्यादा हार्ड लगा? मैथ हार्ड लगा और जीके भी बहुत हार्ड। जीके में आपने कितने किए? जीके में ऐसे 12 से 13 क्वेश्चन होगा। 12 से 13? हाँ। और जीके में जो आपने क्वेश्चन ज्यादातर कहाँ से आ रहा? करंट कितनी आई हुई? नहीं, जीके में क्वेश्चन तो ठीक है, मगर क्वेश्चन स्टेटमेंट ज्यादा आ रहा है। मतलब एक क्वेश्चन में ही 2 से 3 क्वेश्चन जोड़ रहा है। एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री का हो गया। उस हिसाब से जो कैसे ऑप्शन में घुमा रखा है, इनमें से तीनों सही है या कैसे दे रखा है उसमें? हाँ, जैसे ऑप्शन दे रखे हैं कि एक सही है, 2 सही है, 3 सही है। स्टेटमेंट देखे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन स्टेटमेंट है। 10 से 12 जैसे कितने आए होंगे? करंट्स के 3 से 4 क्वेश्चन थे। और वो कैसे 22 की 23 की किसी का भी? तेज की थी रानी जो उसकी, मतलब भाला जो फेंका 2023 में, कितने मीटर है? एक क्वेश्चन था, एक राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति से संबंधित हर एक में आ रहा है। हाँ, राष्ट्रपति कौन से भाग में है? हिंदी सही है। हिंदी में आपने कितने किए? हिंदी मैंने पूरे किए 23-24। हिंदी कैसी लगी? हिंदी सही है, बहुत अच्छी हिंदी। और रीजनिंग सही, रीजनिंग में भी 23-24 की। रीजनिंग ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? रीजनिंग में 4 चैप्टर से आ रहे हैं, ज्यादा 5वां चैप्टर नहीं आ रहा। एक तो तुम्हारा कोडिंग डोकोडिंग, एक सीरीज अल्फाबेट से बहुत आ रहा है, अल्फाबेट की सीरीज और न्यूमेरिकल अल्फाबेट दोनों आ रहे हैं। मतलब ऑप्शन दे दिए 4, इसमें संगत असंगत पूछ रहा है। संगत कहने मतलब कौन से सही है? क्वेश्चन नंबर सीरीज का तो एक दो ही आया, ऐसे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आए हैं सीरीज के। और आपको बैठक व्यवस्था कितने थे? बैठक व्यवस्था सीरीज में ये ज्यादा कोई संख्या जीके तो बहुत हार्ड है। कितने किए आपने? मैंने जीके में 15 क्वेश्चन किए। टोटल क्वेश्चन कितने किए आपने? टोटल मैंने किए हैं 70 क्वेश्चन। जैसे हिस्ट्री में से कोई क्वेश्चन याद हो? तोता हिंद और उसी में 2-3 क्वेश्चन जुड़े हुए थे और तीन क्वेश्चन जुड़े हुए थे। पीसीएस का लेवल समझ लो, पीसीएस का प्री होता है सेम उसकी जीके थी, पीसीएस वाले पेपर हार्ड आ रहा है। पेपर भी काफी है। हां, जीके अच्छी खासी आ रही है। एसएससी जीडी से थोड़ी अच्छी खासी आ रही है। जीका ज्यादा स्टेटमेंट देकर पूछ रहा है तो मेरे को हार्ड ही बन जाएगी। बहुत ज्यादा हार्ड है। करंट में जैसे कोई क्वेश्चन याद हो? करंट में और कोई बहुत ही ज्यादा टफ थी, ये तो टफ बहुत थी। बजट से कोई क्वेश्चन था? बजट से कोई क्वेश्चन नहीं था। बजट से कोई नहीं, इकोनॉमिक्स से था। दो क्वेश्चन देखना, दो क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन नहीं, चलो पॉलिटी से दिए, पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन ज्यादा। अच्छा, राष्ट्रपति किस भाग में आता है? किस भाग में आता है? बस ये सीधा क्वेश्चन था, राष्ट्रपति कौन से भाग? ये एक सीधा क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछे थे। बायोलॉजी में भी मिक्सिंग किया था। आप कितने क्वेश्चन करके आए हो? 70। पेपर कैसा लगा आपको? इजी या मॉडरेट हार्ड? पेपर मतलब मैथ का बहुत टफ था, वाकई बहुत ज्यादा। जैसे जीएस भी काफी टफ बताना है, स्टेटमेंट से पूछ रहे हैं। ओनली स्टेटमेंट, बस एक यही था, ये भैया बता रहे जो अब राष्ट्रपति वाला जो भाग पूछा था, बस उसमें ऑप्शन दे रहे थे
दूसरा तीसरा चौथा पांचवा उसमें पांचवा था। ये देख के बताना कि कौन सा उनमें सही था। बस यही मतलब यही एक एक सिंपल क्वेश्चन था। हिंदी जो आ रही है हिंदी में ज्यादा क्वेश्चन कहां के आ रहे हैं, हिंदी में ज्यादातर जो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं कहां से कंप्लीट हो पैराग्राफ जैसे आया हिंदी का कैसा था? हां पांच क्वेश्चन पैराग्राफ पैराग्राफ भी टफ टफ सा ही था, मतलब मॉडरेट था वो। यानी वाक्य का शुद्धिकरण ज्यादा आ रहा है और वाक्य का शुद्धिकरण कितने सवाल होंगे वाक्य शुद्धिकरण कम से कम 6-7 8-7 क्वेश्चन पांच नंबर का पैराग्राफ होगा 12-13 क्वेश्चन तो आपके दो पर्यायवाची थे एक ग्लोमोल का करेक्शन आए थे दो शुद्धिकरण थे यहाँ दो शुद्धिकरण थे। मैथ में आपको और भी क्वेश्चन याद हो जाए मतलब मैथ बहुत टफ था ज्यादातर कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाए चैप्टर से दो लेंथ ज्यादा दे रखे दो सी आई थी ना वो काटने में नहीं आ रही थी लेंथ ज्यादा रीजनिंग में जैसे पजल पूछी है सुबह पजल भी कोई आई नहीं पजल नहीं आया इसमें कोडिंग वो डिवाइस दे रखी पजल सोमवार वाली सोमवार रविवार दो क्वेश्चन थे और कोडिंग रिकॉर्डिंग के टोटल मान लो तो 5-6 क्वेश्चन पासे का नहीं था पासे का कोई सवाल नहीं था। अच्छा मैथ में बताओ मैथ जैसे हार्ड बता रहे हो तो कहाँ से आ रहा ज्यादा मैथ दो जो बच्चे अब आगे देने सीआईसी से शायद था नहीं एसआईसी का तो कोई आई नहीं सीआईसी ज्यादा किससे लेवल ऐसा था सीएचएसएल एग्जाम आते जो मैथ के आ रहे हैं छूट भी दे रखे थे दो लेवल के भी थे लेकिन टफ थे वो छूट वाले सवाल बड़े थे या छोटे थे टफ थे संख्या बड़ी थी उनकी जो संख्या भी थी वो काटने में नहीं आ रही थी हाँ कुछ हो गए कुछ नहीं हुए जिसकी संख्या काटने में नहीं आ रही थी जैसे नंबर सीरीज उसे नंबर सिस्टम से कोई सवाल था नंबर सिस्टम से शायद नहीं था कोई नंबर सिस्टम एससीएम से जैसे दो संख्याओं का मतलब बदलाव कर दिया जाए तो उनका 54 हो जाता है और उनके बीच का अंतर 10 दे रखा था तो मतलब अगली संख्या कोई दूसरा संख्या पूछ रहा था उसमें ऐसे कुछ था। भैया जो तुम बता रहे हो जैसे हिंदी में 4 चैप्टरों से कौन कौन से जैसे आप दो पर्यायवाची थे एक विलोम शब्द था बाद बाकी 8-7 वाक्य शुद्धिकरण थे 8-7 हाँ और दो वर्तनी थी और इसमें 5 पैराग्राफ थे 5 नंबर का पैराग्राफ हाँ। तो इजी था कैसा था हाँ इजी था मतलब कर सकते हैं उसमें 22-23 क्वेश्चन कर सकते हैं एक दो क्वेश्चन डाउट में रहेगा हिंदी में ऐसी रीजनिंग में भी 20-21 क्वेश्चन कर सकते हैं एक मैथ और जीके मैथ और रीजनिंग मैथ और जीके में तो मान लो 50 में से कोई 25-30 भी कर देना 30 कर दे तो अच्छा है बहुत अच्छा अटेम्प्ट है उसका मतलब पेपर हार्ड आ रहा है ये नहीं है जैसे अटेम्प्ट बता रहे पेपर बहुत हार्ड है आप भी देखा भी आपने कितने के क्वेश्चन 68 जबकि मेरा जीडी में बहुत अच्छा स्कोर लगा पेपर हार्ड लगा इजी लगा हार्ड ही था पहले तो हां मैथ में आपने कितने मैथ में तो मेरा मतलब अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है वही 8-9 हो पाते हैं अभी तो मैथ में आपके कम हुए और जीएस में जीएस भी 8 जीएस में समथिंग हो गए 13-14 के समथिंग हो गए और आपके हिंदी में तो 25 में 25 हुए हिंदी पूरी करी है हिंदी में वही आ रहा मुहावरे पर्यायवाची मतलब जीडी लेवल्स की सी आ रही है ज्यादा वे नहीं आ रही हां फर्म नाम कुछ नहीं आ रहा है ऐसा कुछ अच्छा उसमें कुछ नहीं है जीडी लेवल की ज्यादा कुछ ना आ रहा है रीजनिंग में आपने कितने रीजनिंग में मैं 19 क्वेश्चन करके आया था रीजनिंग में वो वाले आ रहे हैं वो ऐसे ए 2 प्रेस कर देता है वो सीरीज वाले वो क्वेश्चन हाँ 4-5 क्वेश्चन आए थे उससे।